हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे IVF की, उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब होता है तो आपको जो है कई बार पीरियड लाइक पेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि सेकंड वीक में ज़्यादातर स्टार्ट होता है, यानी कि जब आपकी पीरियड की डेट आने वाली होती है उसके आसपास आपको उससे पहले पीरियड लाइक सिम्टम्स सारे आने लगते हैं जो आपको पीरियड्स के टाइम पर आते हैं। तो कई पेशेंट्स से काफ़ी डर जाते हैं कि शायद पीरियड्स आने वाले हैं या क्या होगा, हमारा जो है ट्रीटमेंट फेल हो गया है। बट ये जो पीरियड लाइक सिम्टम्स होते हैं, लाइक पेन एक्चुअली जो होता है वो एक्चुअली प्रेगनेंसी का सिम्टम है। हाँ ठीक है, कई बार IVF फेल होने के बाद भी आपको पीरियड लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, एक्चुअली पीरियड्स आ सकते हैं, पर ज़्यादातर केसेज में ये प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। अगर आपने IUI भी करवाया है या IVF करवाया है, किसी भी अगर आपके पीरियड लाइक पेन स्टार्ट हो गए हैं तो वो आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, क्योंकि जब आपका प्रेगनेंसी होती है तो आपका यूट्रस जो है वो बढ़ने लगता है, जिससे कि आपको पीरियड लाइक पेन फील हो सकता है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है आप जैसे ही पीरियड लाइक सिम्टम आते हैं। इसके अलावा बाकी जो सिम्टम्स होते हैं, कई बार दवाइयों और इंजेक्शन की वजह से भी पीरियड लाइक सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम है कि पीरियड्स का।